दीवार गिराना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, जिले इंतजामिया ने चीफ सेक्रेटरी से माजरत कर ली है। लाहौर न्यूज ने मीटिंग मिनट्स भी हासिल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खत में क्या कहा था, जानते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक बताइएगा, इस खत का क्या मतन था? सिद्रा मंगीर, बिल्कुल, आज चूंकि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का मामला था जो लटक गया है, लाहौर न्यूज ने तमाम तक जो है मीटिंग मिनट्स हासिल कर लिए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, दीवार गिराना किसकी जिम्मेदारी है, इस वाले से आज चेयरमैन हाई लेवल डिजाइन कमेटी डीसी लाहौर सालिया सईद ने दीवार गिराने से मुतल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी किया है। मुरासले मतन के मुताबिक दीवार जो है वो स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी में आती है, जबकि कदीमी व 60 साल पुरानी इमारत का फैसला स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी करेगी। मुरासला मतन का ये भी कहना है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का फैसला स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी करेगा, और इसी के साथ साथ पंजाब गजट नोटिफिकेशन की कापी भी साथ लगी हुई है। चीफ सेक्रेटरी स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी के चेयरमैन है, जिस पर जिला इंतजामिया किसी भी तरह की इमारत का फैसला नहीं कर सकती, जिस पर आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर हाउस की दीवार मुतलिक स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से फैसला किया गया है कि गवर्नर हाउस का दूध अरबा हमारे पास ना है, जबकि स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी के मुताबिक दीवार गिराना गवर्नर हाउस की अपनी जिम्मेदारी है, और इसके साथ अगर दीवार गिराई गई तो सिक्योरिटी हशात के पेश नजर जंगले भी गवर्नर हाउस के डिप्टी सेक्रेटरी या वहां पर जो भी मुलाजमीन है वही लगवाएंगे। ये स्पेशल प्राइमिसिस कमेटी मीटिंग में मिनट्स में फैसले हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।